हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को भागलपुर के वन ऑफ द बेस्ट पंडाल जो बना है भाई, वो दिखाने वाला हूँ। पूरे पंडाल को कवर करने वाला हूँ। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट पंडाल इनमें से कौन सा लगा, और जो कमेंट सबसे बेहतर होगा मैं उन्हें पिनअप कर दूंगा। साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपके कमेंट को मैं दिखाऊंगा। तो और दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, मजेदार होने वाला है। और क्या बोले भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बगल में भाई घंटी बटन है, उसे प्रेस करना भूले। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखते हैं और क्या करते हैं, इंजॉय लेते हैं। पहला स्थान पे जो मैं आया हूँ वह मंदरोजा शक्ति स्थल है, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मैया की एकदम खूबसूरत सी प्रतिमा। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाऊंगा कौन सा होगा, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो हमें बताइएगा कि यह जो है आप लोगों को मंदरोजा जो सराय में अवस्थित है, किस तरह का ये आपको जो है, कितनी खूबसूरत आपको मैया लग रही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज जो है षष्ठमी पूजा है और कल सप्तमी हो जाएगी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं। और इतवार जो है भागलपुर में 3 साल के बाद जो है रावणा का दहन भी किया जाएगा, जो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कहाँ पे इस बार किया जाएगा। तो आप भी जा सकते हैं और काफ़ी धूमधाम से वहाँ जो है एक सुंदर सा मेला का भी आयोजन किया जाएगा। बाहर में एक छोटा सा मेला का आयोजन किया गया है रोड साइड, क्योंकि भाई शहर में खुला प्लेस कम बहुत कम ही मिलता है। तो इस तरह का आपको साइड में, रोड के साइड में ही मेला का आनंद लेना पड़ेगा भाई। जो बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है वो आपको अगर मैं बात करूँ ना, नाथनगर है, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा से धूमधाम से वहाँ मेला का सेलिब्रेशन किया जाता है। रोड साइड में देख रहे होंगे कि अभी कुछ ही लगा हुआ है। आज सप्तमी है तो इसलिए कम है, आठवीं और नवमी को यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ यहाँ जाऊँगा, अभी जो है भागलपुर का सबसे बड़ा जो मारवाड़ी पाठशाला पे बढ़ाया जाता है, वहाँ का मैं आप लोगों को जो है किस तरह का पंडाल वहाँ बना है वो मैं दिखाऊँगा। लाइट से काफ़ी बेहतर सजाया गया यहाँ। हरबड़िया काली मंदिर है इधर, लेकिन यहाँ भी दुर्गा पूजा जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे पीछे लाइटिंग का व्यवस्था आप देख सकते हैं, आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी बेहतरीन लाइट का यहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है भाई। इधर आगे से आप कवर मैं दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा है भाई। यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ काली पूजा काफ़ी धूमधाम से यहाँ, तो इस तरह का यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। और यहाँ ये भाई लोग मिले, एक बार आई कर दीजिएगा आप सभी। मतलब कैसा लग रहा है भाई, बिक्री बट्टा का क्या है? बिक्री बट्टा सही है, बहुत बढ़िया है। कोरोना ले गया ना, मार्केट डाउन हो गया था, पर अभी चालू हो चुका है मेला, तो काफ़ी अच्छा है भाई। मेला का माहौल है, अभी सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। चलिए आगे दिखाते हैं। केंद्र
नंबर पे है और वन ऑफ द बेस्ट जो भागलपुर का सबसे बड़ा पंडाल अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई, मारवाड़ी पाठशाला जो पूरे भागलपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में फेमस है ये, उसके बारे में दिखाऊंगा। इस बार यहाँ का काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन गया है क्योंकि इस बार जो है राम मंदिर की तर्ज पे जो है यहाँ का पंडाल बनाया गया है जो मैं आप लोगों को भी कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा बना है भाई। तो आप देख पा रहे होंगे यह जो है राम मंदिर के तट पे बनाया गया है एकदम विशाल पंडाल, आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा और उत्कृष्ट है भाई, एकदम गर्दन नजारा नजारा काफ़ी अच्छा। और आगे में ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये पंडाल राम मंदिर का। जय श्री राम। और यहाँ चारों बगल इस तरह के दुकान वगैरह शॉप वगैरह जो लगाया गया है वो सारा भी दिख जाएगा आपको, इस तरह का नज़ारा ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत है भाई। सबसे ज़्यादा भीड़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहीं पे रहता है। तो ये सेकेंड और आपको मैं दिखाऊं तो वन ऑफ द बेस्ट भागलपुर का मारवाड़ी पाठशाला का पंडाल माना जाता है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। इस बार जो है अयोध्या के राम मंदिर जो बनने वाला है उसी के तर्ज पे यहाँ का पंडाल बनाया गया है जो काफ़ी उत्कृष्ट और भव्य बनाया गया है। तो इस बार यहाँ पे क्योंकि दो साल कोरोना काल के बाद अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल काफ़ी अच्छा खासा भीड़ था लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, लेकिन इस बार जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में भक्तों का भीड़ लगने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं यहाँ का ए टू जेड अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो भाई वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, तो काफ़ी खास यहाँ का होने वाला है। अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा और बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सारा कुछ है पीछे दुकान वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पे एक मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ बन रहा है भाई, मुझे नाम नहीं पता। हम अंदर का व्यू यहाँ का दिखाते हैं भाई किस तरह से अंदर में जो है बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और अंदर में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं वगैरह की गई है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ भीड़ वगैरह जो अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, काफ़ी अच्छा से डेकोरेट भी किया गया है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह है आपको मारवाड़ी पाठशाला का सबसे भव्य एवं विशाल मूर्ति जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नवमी और दसवीं के दिन जो है काफ़ी ही भक्तों का भीड़ होता है, हुजूम होता है। मेरे पीछे देख सकते हैं सेल्फी के मोड में कुछ भक्त आपको दिख जाएंगे अभी भी। कुछ ही सालों के बाद जो है थोड़ी देर के बाद अगर बात करूँ तो संध्या आरती का यहाँ आयोजन होने वाला है जो काफ़ी भव्यता के साथ किया जाएगा। यहाँ पर इनका पंडाल के बारे में मैंने आप लोगों को दिखा दिया, काफ़ी भव्य पंडाल का बनाया गया ईश्वर। और इस बार का जो थीम है वो है अयोध्या का राम मंदिर। बोलते हैं ना कि भारत के जो है कणकण में राम है, प्रभु श्री राम की का जो मंदिर है उसी के आधार पे इस बार का मंदिर वगैरह जो है इस पंडाल बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। और सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का जो एक बेहतरीन उत्कृष्ट अगर मैं बात करूं तो पंडाल का आयोजन किया गया है, बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा है। और सभी भाई यहाँ पे सेल्फी के मोड में आपको दिख जाएंगे। हमें बताइएगा आप कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बगल में भाई घंटे का बटन है साले, उसे भी प्रेस करना भूलिएगा। और बाहर में इस तरह का व्यू आपको नज़ारा कुछ खास दिख जाएगा, काफ़ी अच्छा है। अभी तो बहुत सारा पंडाल सा आपको दिखाने के लिए बाकी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। आइस गोला, यहाँ पे आइस गोला का आप आनंद ले सकते हैं। कुछ और फूड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है जो आप खा सकते हैं। मेन गेट तो ये इंटर करने का इधर से हो गया और बाहर निकलने का जो यहाँ का रास्ता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का। अगर आप आइएगा तो ताकि तकलीफ़ ना हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो सारा चीज़ है यहाँ का।
और ये रहा आपको इधर से निकलने का रास्ता। तो फाइनली आपने देख लिया होगा ये बाहर निकलने का भाई इधर से रास्ता। यहाँ पे मारवाड़ी पाठशाला में अगर मैं बात करूँ तो दो गेट्स हैं, एक तरफ से आप इंटर्ड हो सकते हैं और एक तरफ से बाहर आप निकल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और बाहर जब निकलिएगा तो आपको यहाँ का खलीफा बाग मार्केट से, जिस शाह मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये मार्केट, वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे भाई अष्टमी और दशमी के दिन काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जो होता है भक्तों का, यहाँ पे एक भीड़ लगा हुआ रहता है जो काफ़ी अच्छा होता है। मारवाड़ी पाठशाला का जो मेन गेट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये हो गया इसका मेन गेट, जहाँ से आप इन कर सकते हैं। इस बार लाइटिंग की व्यवस्था वगैरह काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से किया गया, मेरे पीछे आप देख सकते होंगे काफ़ी बेहतरीन लाइट का की व्यवस्था की गई है, और आगे भी इसी तरह का लाइटिंग आपको दिख जाएगा इस तरह से, काफ़ी अच्छा है भाई। चलिए और देखते हैं यहाँ का पंडाल भागवाल का, और कौन वन ऑफ द बेस्ट पंडाल से यहाँ नज़र आते हैं। नाथ नगर में है एक, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, और बहुत सारा है यहाँ का। रूम पर आपने तो पूरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि सबसे अच्छा पंडाल आपको कौन सा लगा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो जल्दी से बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर देखने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।